हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के साइन में चले जाना है। आपको जिस भी रेशो में वीडियो बनानी है वो रेशो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 16:9 के रेशो को सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से पहले तो आपको कुछ फोटोज ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं कुछ फोटोज ले लेती हूँ। इसी तरीके से आपको भी कुछ फ़ोटोज़ ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद इस फोटो पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले इफेक्ट पे चले जाना और यहाँ पे इस फोटो को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको सभी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस फोटो के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। उसमें आपको यहाँ पे देखिए आपको नीचे चल जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा, लाइन वॉर्कल वाली। ठीक है, ये वाली इफेक्ट्स ले लेनी है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है, आप नीचे देखिए गेटमो में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली इफेक्ट्स आपको ले लेनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसकी रेशो आपको यहाँ पे देखिए 1.5 रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ में ले लेना है ये लाइन वाली इफ़ेक्ट। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सभी फ़ोटोज़ को थोड़ा छोटा कर लेना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली ये देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, अपने वीडियो का। उसके बाद आपको सिंपली ये वाली जो वीडियो है उसे एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ पे से। यहाँ पे देखिए जो मेरी वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे अगेन आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के साइन में चले जाना है और यहाँ पे से आपको 16:9 का रेशो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। पहले तो आपको एक बैकग्राउंड ले लेनी है ब्लैक कलर की। ठीक है, फिर इसे एक्सटेंड कर देना है जहाँ तक आपको वीडियो बनानी है। उसके बाद लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से आपको ये वाली इफेक्ट ले लेनी है बॉर्डर वाली। उसके बाद इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद इसे भी एक्सटेंड कर देना है जहाँ तक आपकी वीडियो है। ठीक है, उसके बाद लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। अभी जो आपने वीडियो ली थी वो एक्सपोर्ट करी थी उसे ले लेना है, थोड़ा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग में जाना और इसे स्क्रीन कर देना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, ये वाली इफेक्ट ले लेनी है लाइटिंग वाली और यहाँ पे रख देना नीचे कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखिए आपको साइड में ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लेंडिंग में जाना और इसे स्क्रीन कर देना है। ठीक है, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देनी है जहाँ तक आपकी वीडियो है। फिर से लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से देखिए ये वाली लाइटिंग इफेक्ट्स ले लेनी है, इसे बड़ा कर लेना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ पे से इसे भी स्क्रीन कर देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं हम जहाँ तक आपकी वीडियो है। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना और यहाँ पे से देखिए ये वाली इफेक्ट ले लेनी है। ठीक है, फिर इसे रोटेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे साइड में ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लेंडिंग में चले जाना और इसे भी स्क्रीन कर देना है। ठीक है, फिर से आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पर से देखिए आपको ये सॉन्ग वाली इफेक्ट्स ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे रख देना है, थोड़ा छोटा कर देना और यहाँ पर रख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे पे चले जाना है, उस पे चले जाना और यहाँ पे से इसे स्क्रीन कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हम एक बार प्ले करके देखते हैं। ठीक है,
तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना चाहते हो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।